हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो गई है तो उसे आप कम कैसे करवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पता करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी कितना बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है हरियाणा के निवासियों के लिए। अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई नहीं है या फिर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है और उसमें इनकम ज़्यादा वेरीफाई हो गई है तो आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से ऊपर वेरीफाई हो गई है फिर आपको हरियाणा में गरीब परिवार को मिलने वाली जो भी योजना है उसका लाभ आपको नहीं मिलता। और दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई है तो आपको अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है या अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, जैसे बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और भी बहुत सी हरियाणा में स्कीम है जिनका आपको लाभ मिलता है या लाभ दिया जाता है। अब दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है यानी आपकी इनकम वास्तव में तो 1,80,000 तक या उससे कम है लेकिन वेरीफाई ज्यादा हो गई है तो दोस्तों अनेक प्रकार के तरीके हैं जिसके माध्यम से आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई की जाती है और आपकी इनकम कम आप करवा सकते हैं। चलिए उन तरीकों के बारे में आपको बताते हैं। और अगर उन तरीकों से अगर आपकी इनकम कम नहीं हुई है तो एक जो आखिरी तरीका है उस माध्यम से अगर आपकी इनकम वास्तव में कम है तो 100% आपकी इनकम फैमिली आईडी में कम वेरीफाई हो जाएगी। चलिए आपको सभी तरीके मैं बता देता हूं। दोस्तों, जब शुरुआत में आपकी पहली बार इनकम वेरीफाई होती है, नोट वेरीफाइड से इनकम वेरीफाइड होती है तो उसे लोकल कमेटी यानी LC के माध्यम से वेरीफाई किया जाता है। जो पहली कमेटी है वो LC है यानी लोकल कमेटी है। इसके बाद दोस्तों, जो लोकल कमेटी ने इनकम वेरीफाई की है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से ऊपर इनकम वेरीफाई है तो आप रिक्वेस्ट लगा के अपनी इनकम को कम करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे इनकम कम करने की तो ये जो रिक्वेस्ट है वो SC यानी सेक्टर कमेटी के पास चली जाएगी। दोस्तों, लोकल कमेटी से ऊपर जो कमेटी है उसे सेक्टर कमेटी कहा जाता है और ये जो कमेटी अब आपकी फैमिली आईडी की इनकम वेरीफाई करेगी वो इनकम यहां पर आपको दिखने लगेगी और उस हिसाब से आपको योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, सेक्टर कमेटी ने भी आपकी इनकम वेरीफाई कर दी लेकिन वो इनकम भी अगर 1,80,000 से ज्यादा वेरीफाई हो गई है तो फिर भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब दोस्तों, जो आपने रिक्वेस्ट लगाई है वो जाएगी स्पेशल वेरिफिकेशन के पास। अब दोस्तों, ये जो स्पेशल वेरिफिकेशन है ये सेक्टर कमेटी से ऊपर है। अब वो जो आपकी इनकम वेरीफाई करेंगे आपकी इनकम वही आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई हो जाएगी। अब दोस्तों, स्पेशल वेरिफिकेशन ने भी आपकी इनकम वेरीफाई कर दी लेकिन फिर भी आपकी इनकम वेरीफाई ज्यादा ही हो गई है। अब दोस्तों, आखिरी जो तरीका है वो ADC के माध्यम से आपकी इनकम वेरीफाई की जाएगी फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से। इसके लिए दोस्तों आपको अपने ब्लॉक में जाना होगा। ब्लॉक में जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक ZCRIM अधिकारी मिलेगा फैमिली आईडी से संबंधित। उनसे दोस्तों आपको कहना है कि मेरी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा वेरीफाई है और मैंने कई बार रिक्वेस्ट लगा ली है, हर बार मेरी इनकम ज्यादा ही वेरीफाई हो जाती है तो कृपया करके आप फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से मेरी इनकम को वेरीफाई करवाएं। दोस्तों, अब आपसे जो ZCRIM अधिकारी है वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे आपकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, सभी की बैंक अकाउंट की 1 साल की स्टेटमेंट लगेगी, अगर आपने अपनी फसल को मंडी में बेचा है तो उसका जो जे फॉर्म है उसका प्रिंट लगेगा और भी बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो वहां पर आपको जमा करवाने पड़ेंगे। और ZCRIM जो अधिकारी है आपके घर पर आकर ये भी चेक करेगा कि आपके पास क्या क्या साधन है जिसके माध्यम से आपको आय होती है यानी कमाई होती है, कौन नौकरी लगा हुआ है, सभी प्रकार की जो वेरिफिकेशन है उनके माध्यम से की जाएगी। एक सरपंच
के माध्यम से रिपोर्ट भी ली जाएगी कि ये परिवार गरीब है या नहीं, एक किसी से इसकी इनकम कम है या नहीं। इसके बाद दोस्तों आपकी जो वेरिफिकेशन है वो ADC के पास पहुंचाई जाएगी और उनके माध्यम से आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई कर दी जाएगी। अगर आपकी इनकम कम होगी तो कम वेरीफाई होगी और अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वेरीफाई होगी। दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से जो इनकम वेरीफाई होगी वो 100% स्टिक और सही ही वेरीफाई होगी, क्योंकि दोस्तों उसमें आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें ली जाएंगी जिनमें आपकी इनकम स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। आपकी जब स्टेटमेंट निकलेगी अकाउंट की, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आप गरीब हैं, अगर पैसे होंगे तो आपके पास पैसे हैं फिर आप गरीब कैसे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें देखी जाएंगी जिसके माध्यम से आपकी इनकम चेक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने रिक्वेस्ट लगा दी, लोकल कमेटी ने आपकी इनकम वेरीफाई की है, जब आपने रिक्वेस्ट लगाई है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर काम नहीं हो रहा है, यानी सेक्टर कमेटी के माध्यम से आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई नहीं की गई, आपने रिक्वेस्ट लगाए हुए 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, या फिर आपने कई बार रिक्वेस्ट लगा ली है फिर भी आपकी इनकम कम नहीं हुई है, फिर भी आप ब्लॉक में जाकर जड़ करीम अधिकारी से मिल सकते हैं, वो जो हैं वो आपकी इनकम को कम करवा देंगे। जिसके पास भी आपकी रिक्वेस्ट गई होगी उनके माध्यम से आपकी इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी इनकम को कम करवा सकते हैं और इन तरीकों से आपकी जो इनकम है वो 100% कम होगी। रिक्वेस्ट कैसे डालनी है उससे संबंधित पहले से मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी, अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।